तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो राइट नाउ इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग आए मैसूर में। एक्चुअली हम लोगों ने पूरा नाइट में पूरा ट्रैवलिंग था और ट्रैवलिंग करके हम लोग आए मैसूर में एंड यहाँ पे कुछ साइट सीइंग होने वाली, तो जो भी होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो मंदिर है ना, वो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ उतना नहीं दिखा पाऊंगा मंदिर के अंदर वाला, उसके बाहर बाहर जो भी वो आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा। तो चलते हैं और उसके बाद भी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स है जहाँ पे हम लोग जाएंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अभी और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो गाइस, ये मंदिर के बाहर का एरिया है जहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा है, बट ये जो मंदिर का जो हम लोग मराठी में जिसको हम लोग कलर्स बोलते हैं ना, ये काफी सुंदर लग रहा है। इसको कलर किया है गोल्डन, सो और भी सुंदर लग रहा है ये। तो फाइनली अभी हम लोगों का मंदिर का दर्शन हो चुका है। अंदर शूट अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा दिया। तो चलते अभी अगले पॉइंट पे, जहाँ भी हम लोगों को हमारा गाइड लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाएंगे एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोग ऐसे निकल रहे थे ना, उस टाइम हम लोगों को एक मतलब बनाना दिखे, तो देखो कितना छोटा सा बनाना है, लिटरली एक उंगली जितना बनाना है छोटा सा, बट काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मतलब मीठा है, मस्त है। सो हम लोगों ने ले लिया, खाते हैं निकलते आगे। अभी हम लोग आए मार्केट में, यहाँ पर है ना एक कावेरी मार्केट करके जो कि फेमस है, और ये जो मार्केट है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोग पीछे लगेंगे कि ले लो, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट है, ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो अगर जो भी लेना है वो ले सकते हैं, नहीं भी लेना है तो नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों को उनका जो भी मतलब जो हम लोग सैलरी बोलते हैं ना, वो सैलरी मिलता है यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनको, तो उसकी वजह से कोई पीछे लगने वाला नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट में क्या क्या मिलता है। यहाँ पर चंदन से बने हुए काफी सारी चीजें, जस्ट लाइक दिस, बहुत बड़ा शॉप है यहाँ पे, सो आप लोगों का काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो अभी हम लोग आए मैसूर पैलेस, तो यहाँ पे देखो भीड़ कितना है, कितने ज्यादा ट्रैवल्स लगी हुई है इस साइड में भी एंड इस साइड में भी। चलते अभी टिकट काउंटर के पे, यहाँ पर ना 100 rupees पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा, देन उसके बाद एंट्री होगा और अंदर मोबाइल कैमरा सब अलाउड है। सो हम लोग, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर सकता हूँ, जितना दिखा पाऊंगा आप लोगों को उतना दिखाऊंगा। ऐसे एंटर किया है मैसूर पैलेस के अंदर। सो ये ऐसा नजारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। सो मतलब ऐसा देख के ना फ्रेश हो गया भाई, क्योंकि हम लोग कई जगह पे घूम गए, वहाँ पे ना इतना सुंदर कहीं देखने नहीं मिला। सो ये देख के काफ़ी मस्त लग रहा है एंड यहाँ का एरिया देखो, यहाँ पे कितने सारे ये मतलब फूलों के पेड़ लगे छोटे छोटे, रोज वगैरह, ये देखो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं यहाँ पे एंड इस साइड में लॉने हैं, ये देखो काफ़ी मस्त लग रहा है। चलते अभी इसके अंदर, ये जो टिकट हम लोगों ने निकाला है ना, इसको वहाँ पे दिखाना है एंड उसके बाद मैंने एंट्री करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो वो सारे लोग बाकी उस साइड से ग्रुप में मतलब लाइन में खड़े हैं, तो काफ़ी कुछ स्कूल वाले कुछ कॉलेज वाले, तो इनके लिए अलग वहाँ पे सब लोगों को खड़ा किया है, देन तो सबको साथ में अंदर एंट्री देंगे इसके लिए। सो देखो अभी जा रहे हैं वो लोग भी एंड हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। भीड़ तो काफी ज्यादा हो रखी है भाई बच्चों की वजह से। खतरनाक भीड़ है भाई आज, बहुत पहले भी हम लोगों ने जो एग्जिट तो कर दिया है, बट अगर आप लोग मैसूर आ रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। वर्थ इट है, 100 rupees टिकट है, बट वर्थ इट है,
काफी मस्त था, अंदर से पूरा हम लोग इधर उधर से घूमे तो काफी सुंदर था, आप लोग डेफिनेटली आ सकते हो। अभी हम लोग आए वृंदावन गार्डन, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन से एंट्री है, तो हम लोग अभी एंट्री करते, टिकट लेते, देन चलते गार्डन के अंदर और दिखाते आप लोगों को भी यहाँ पे क्या क्या है, जो हम लोग घूम देंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो चलो, तुम्हें काट लेने आज चार लोग है कैमरा का, जिस तरह पे यहाँ पे 50 रुपीज पर पर्सन का टिकट है ना, उसी तरह से कैमरा के लिए मुझे 100 रुपीज का सेपरेट टिकट निकालना पड़ा, तो मतलब कैमरा का 100 रुपीज टिकट ले लिया मैंने, तो चलते अभी क्योंकि यार अपने को तो कैमरा से शूट करना है, तो टिकट मैंने निकाल लिया। चलो दिखाते एंट्री करते, कुछ इस तरह से शॉप मिलेंगे जहाँ आप लोग खाने वाने की चीजें ले सकते हो, एंड देन चलते आगे और जो भी आप। अभी तो शाम के 6 बजे ना, तो अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगे नहीं, अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह सारे चालू हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है, तो मैं जितना अच्छा शूट कर पाऊँगा, अगर कुछ सिनेमैटिक वगैरह भी शूट कर पाऊँगा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सो अभी यहाँ पर सारे लाइट्स ऑन हो चुके हैं, तो उसके बाद का नज़ारा देखो कितना मस्त लग रहा है, ये देखो सारे लाइट्स चालू हो चुके हैं पूरा, सो मस्त लग रहा है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा एलईडी वगैरह ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़े कम लाइट से, बट अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़े टाइम बाद अपन एक वाटर शो होगा, जैसे दुबई में होता है उसी टाइप का, जैसे म्यूजिक के ऊपर वो जो फाउंटेन है वो डांस करेंगे एंड लाइट्स जलेगी वहाँ पे, सो वो भी अच्छा रहेगा, वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। पर ना इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है, एक्चुअली सब सिर्फ वॉक करना है, आजू बाजू सब लॉन लगा हुआ है एंड बस ग्रीनरी है पूरी, बस ऐसे इधर उधर देखो, क्योंकि यहाँ पे जो मज़ा है ना सिर्फ शायद फाउंटेन वो चलेगा तभी आएगा, क्योंकि अब तक तो मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे को पसीना ज़्यादा आ रहा है, मज़ा का नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो मेरे को वो अपना शेगांव का गार्डन लग रहा है, वो इससे अच्छा है, इसका नाम क्यों इतना बड़ा है आई डोंट नो, सो जब भी ये फाउंटेन चलूँगा ना सीधे आप लोगों को तभी मिलता हूँ मैं। और इसी गार्डन को लग के ना इधर इस साइड में पूरा डैम है, डैम वहाँ पे तो नहीं जा सकते हम लोग ऊपर, बट सेम ऐसा ही ना उधर भी है शायद शेगांव के यहाँ पे भी कई तो है यार, मैंने देखा है लग रहा है मेरे को, सो उस साइड में भी ऐसा ही है बनाया हुआ, सो उसी तरह से यहाँ पे भी बनाया है, सो चलो कुछ नहीं अभी जितना है आप लोगों को दिखा पाऊंगा उतना दिखा। तो ये फाउंटेन जो है कब चालू होगा पता नहीं, अब तो 8 बज चुके फिर भी चालू नहीं होता, हम लोग निकल गए ऐसे क्योंकि हम लोगों को और भी आगे जाना है, कहाँ जाना है आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, चलो अभी चलते ट्रैवल्स की ओर एंड देन निकलते आगे के लिए। फाइनली लगभग 2-2.5 घंटे के बाद ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं श्रवण बैलगोला में, एंड यहाँ पे आज का हमारा स्टे होने वाला है, एंड मतलब आज रात यहीं पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड देन कल सुबह ऐसे हम लोग निकल जाएंगे। फाइनली अभी इस वाले वीडियो को भी ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका बिकॉज आज बहुत ज़्यादा हम लोग चले हुए हैं और ट्रैवलिंग भी हुआ है ना, सो इसके वजह से अभी इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।